अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अटेंडेंस स्टार्ट कर लेते हैं अभी बिफोर द लेक्चर। और अब्दुल रहीम रऊफ। यस सर, अब्दुल रहीम प्रेजेंट। ठीक है जी, अब्दुल रहीम मौजूद है। अब्दुल सुबहान। नहीं, आबिदुल्ला। यस सर। ठीक है जी, अली हसन। ब्रदर सर। ठीक है जी, आसिफ रहमान। आसिफ अटेंडेंस बोले अपनी। यस सर। ठीक है जी, और दानियाल अली। यस सर। ठीक है, शाम। प्रेजेंट सर। फैसल रहीम। यस सर। ठीक है, फैजान ताहिर। फैजान नहीं है, फैजान दानियाल। फैजान को कहें एक तो टाइम पे करें और एक अपनी अटेंडेंस प्रॉपर मेंटेन रखें, उसे जरा सीरियस नोट पे दें। ठीक है, ओके सर। फरोज अहमद खान। प्रेजेंट सर। ठीक है जी, हमील जफर। प्रेजेंट सर। मेहर अनवर। प्रेजेंट सर। ठीक है, मियां मोहम्मद उमर। मियां मोहम्मद उमर नहीं है जी, ओके। मोहम्मद आसिफ मजीद। प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद जुनेद असलम। प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद तैयब। प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद अबू बकर आजम। मोहम्मद अबू बकर आजम नहीं है जी। मोहम्मद आकब जहूर। प्रेजेंट सर। ठीक है, याकब जहूर ने भी बोली। ठीक, यस सर। ठीक है जी, मोहम्मद असद अशरफ। प्रेजेंट सर। ठीक, बिलाल बाबर। प्रेजेंट सर। ठीक है जी, बिलाल जुनैर अजहर। प्रेजेंट। ठीक है जी, और मोहम्मद हसीब। यस सर, मोहम्मद हसीब। मोहम्मद मोहम्मद मोइज। मोइज आप भी अटेंडेंस बोले जरा। ठीक है, मोइज रेहान ताहिर। यस सर। ठीक है, शाज़िब अशफाक। सर, शाज़िब अशफाक प्रेजेंट। शाज़िब को क्या? शाज़िब अशफाक प्रेजेंट। ये को बीच में कोई कुछ कहना चाह रहा था, क्या था वो? सॉरी सर, वो शाज़िब नाम से कंफ्यूज हो गया सर। बोलें जरा। रजा फैज, आप अक्सर माइक ऑन कर लेते हैं, बोलते नहीं है, क्या क्या होता है? माइक में कचरा है सर? ये ना, इससे मेरी बात हुई, इनके वो पीसी में कोई इशू है सर, माइक का। सर प्रेजेंट। अच्छा, देखें हल भी हो गया। तो शाम को, शाम जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी ना, तो माजरत के लिए सबको चॉकलेट खिलाएगा जरूर सर। कह रहा पीसी में इशू, उसने अटेंडेंस बोल। जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी ना, तो फिर आपको बताएंगे कि आपने क्या लिखे। ठीक है, गलत गवाहियां नहीं देते, ऐसी अदालत में भी मिल जाते हैं। अच्छा जी, रजा फैज हो गया। शाज़िब उस्मान। यस सर, प्रेजेंट। ठीक है, उसामा अफजल। यस सर, प्रेजेंट। वलीद मुख्तियार।
प्रेजेंट सर हाँ जी वलीद प्रेजेंट सर ठीक है सर और जैद इश्तियाक प्रेजेंट सर जनाब ठीक है कहते हैं तो उसके थ्रू बोल देते हैं जैद इश्तियाक प्रेजेंट सर ओके जी जैद ओके फाइन जी किसी ने लेट ज्वाइन किया हो सर मियां मोहम्मद मैं 025 नहीं जाना चाहिए क्योंकि 8 से लेकर 9:30 तक आपकी मोहब्बत मेरे साथ उसका आपने बॉन्ड साइन किया हुआ वो माई कोर्सेज में अगर आप देखें तो ठीक है बेहतर सर तो चाहते ना चाहते उस 1.5 घंटे के लिए हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो वो तो फिर आपको थोड़ा टाइम चले जी एनी हो ये चैप्टर नंबर 2 की तरफ मैं भी आता हूँ अच्छा ये जब मैंने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 करवाया था तो इसकी कुछ स्लाइड्स मेरे पास थी जो ऑफिशियल स्लाइड्स हैं उनको एडिट करके बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की गई थी मैं होपफुली चैप्टर 1 की भी करूँगा स्लाइड अपलोडेड लेकिन वो स्लाइड से पढ़ाता है इसलिए कि वो बहुत शॉर्ट है वो स्लाइड्स में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए वो इतनी यूज़फुल नहीं रहनी मेरे लिए वो ठीक है मैंने एक आइडिया लेना हो कि चैप्टर में क्या हो रहा है तो मेरे लिए वो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव उसमें डेटा नहीं है है इन्हीं ऑथर की और ऑफिशियल स्लाइड्स हैं सारा यही है मतलब सभी कुछ इनके डिटेल काम है उसके अंदर सो लेकिन फिर भी आई विल शेयर मैं उनको आपके साथ करूँगा शेयर और चैप्टर 2 में कुछ मेरे पास मॉडिफाइड चीज़ें हैं उनको भी मैं ऑन एंड ऑफ आगे करूँगा यूज़ और आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा मैं ज़्यादातर बुक के आसपास ही रहता हूँ क्योंकि बुक में ज़्यादा डिटेल होती है और फिर स्टूडेंट्स को मैं कुछ पॉइंट्स वहाँ पे रेफ़र कर देता हूँ तो एज अ नोट्स आपने देखा है हाईलाइट कर रहा तो वो मेरे ख्याल से एक उनके पास एक डायरी मेंटेन होती जाती कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर फोकस करना है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर हैं चीज़ें और ये जो चैप्टर का नेम है वो पहले देख लेते हैं चैप्टर का नेम सबको भी मेरे ख्याल से स्लाइड और नई स्क्रीन शेयर हुई होगी एक जस्ट अ सेकंड ओके जी आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको क्या चैप्टर का नेम है जी मिडिल yes, में प्यारा प्यारा लिखा है डायोड एप्लीकेशन सर ठीक है सो हमने चैप्टर 2 के अंदर बहुत डिटेल के अंदर बड़े एक रीज़नेबल वे में हमने इसकी सारी एप्लीकेशन भी पढ़ी और ये थ्योरेटिकल एप्लीकेशन नहीं है ये सारा न्यूमेरिकल और इस टाइप की चीज़ें हैं थ्योरी भी डिफरेंट सी बात होगी तो एप्लीकेशन से मुराद ये नहीं है कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर इसके अंदर हम डिटेल में चीज़ें करेंगे किस तरह की करेंगे थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन एनालिसिस एंड हाउ इट इज़ अप्लाइड टू डायोड नेटवर्क हम अभी देखेंगे भी कि हम क्या करेंगे कि कोई भी आपका सर्किट है उसको आपने सर्टेन वोल्टेज सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड कर दी और ये आपको इस चीज़ का आइडिया है कि सर्किट एनालिसिस के अंदर कोई ना कोई सोर्स तो आप लगाते हैं ठीक है तभी वोल्टेजेस और करंट्स और इस तरह की वैल्यूज़ को आप एनालाइज कर सकते हैं और डायोड भी बीच में लगा दिया और एक आपके पास लोड होगा जिसको आप अक्सर आर कहते हैं रेजिस्टेंस आर और सर्किट एनालिसिस के अंदर आपने लोड के अक्रॉस वोल्टेजेस करंट्स और इस तरह की चीज़ें फाइंड आउट की होंगी ठीक है तो अगर हम उनको ग्राफ की एक शक्ल दे दें तो वो फिर लोड लाइन हमारे पास बन जाता है और फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट करंट्स के ऊपर क्या वैल्यूज़ हैं डायोड ओपन कब हो रहा है और शॉर्ट कब हो रहा है इस तरह की कुछ चीज़ें फिर आई बिकम फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट टू एनालाइज सीरीज़ पैरेलल एंड सीरीज़ पैरेलल डायोड नेटवर्क्स के डायोड अगर सीरीज़ के अंदर लगा हुआ है तो किस तरह की आपको आउटपुट आ रही है पैरेलल के अंदर लगा हुआ है और किस तरह की आ रही और दोनों केसेस में अगर मल्टीपल डायोड्स हैं सम हाउ तो उसमें किस तरह की आपके पास आउटपुट आ रही है
लोड के ऊपर क्या चीज पहुंच रही है. अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन टू एस्टैब्लिश अ डीसी लेवल फ्रॉम अ साइनोसाइडल एसी इनपुट. तो एक रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज करते हैं, अल्टरनेटिंग को किस में, डायरेक्ट में. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को किस में हम चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट. सो और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन. और जो ये काम करेगा उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर. जैसे हम कहते हैं कि ये मैनेजमेंट एक वर्ड होता है, और जो मैनेज कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजर. जैसे टीचिंग एक काम है और जो पढ़ा रहा था उसको हम क्या कहते हैं, टीचर. तो दैट द सेम वे लाइक रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर, राइट. और डिटेल में डेफिनेट से बात हम इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट में बी एबल टू प्रेडिक्ट द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ अ क्लिपर क्लैम्पर डायोड कॉन्फ़िगरेशन. अब क्लिप का आपको पता है कि अगर लफ्जी मतलब में जाएं तो कुछ सर्टन पोर्शन आप वेव फॉर्म का क्लिप कर देते हैं, यानी कि उसको कट ऑफ, उसको कट कर देते हैं. कुछ पोर्शन को जाने दे रहे हैं, कुछ को नहीं जाने दे रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी एप्लीकेशन हो सकती. क्लैम्पर में ये है कि हम उनका लेवल थोड़ा सा अप या डाउन कर देंगे, कोई हिस्सा कट ऑफ नहीं करेंगे. और नेक्स्ट में जो है वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है. वो हैं जी एप्लीकेशंस ऑफ ज़ीनर डायोड. और ये होपफुली आप एक डिटेल के अंदर इस पे लैब भी करेंगे. और इसमें हम ज़ीनर डायोड की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे कि अगर सप्लाई वेरिएबल है तो क्या होगा, कोई रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर अगर आपने लगाया हुआ है. तो दो तीन डिफरेंट केसेस को लेके हम देखेंगे कि ज़ीनर डायोड का क्या बिहेवियर है. ठीक है, वैसे तो अमूमन होता है ना कि वोल्टेज भी कॉन्स्टेंट होता है, वोल्टेज की कोई खास वैल्यू हो जाती है, रेजिस्टेंस की कोई खास वैल्यू हो जाती है. ये तो एक सिंपल्स है. तो हम चीज़ों को वेरी करके भी देखेंगे, रेंजेस के ऊपर इनको देखेंगे कि यहाँ से लेके, तो एक बड़ी डिटेल के अंदर. सो दैट इज़ एन ओवरव्यू कि हमने इस चैप्टर में करना क्या. ठीक है जी. और इसके ऊपर आपकी कुछ तीन चार लैब्स होंगी. सीरीज पैरेलल वाली लैब भी इसी चैप्टर के ऊपर आ जानी है. रेक्टिफिकेशन जब करेंगे वो भी इसी चैप्टर के ऊपर होगा, ज़ीनर करेंगे वो भी, क्लिपर क्लैम्पर भी. तो ये एक बहुत रीज़नेबल वे में यूज़ होंगी चीज़ें. ठीक है जी. सो हम मूव करते हैं थोड़ा सा. अब लोड लाइन जो है, अगर आप देखें तो आपके सामने एक नेटवर्क है, ठीक है. और उसके अंदर क्या है जी, कुछ लोग जो पहले पार्टिसिपेट करते रहते हैं, उनके अलावा जो नहीं कभी बोलते, वो देख के मुझे बता दें कि ये क्या चीज़ें. ई क्या है जी? सर, ई वोल्टेज सोर्स है, बैटरी चार्जर नहीं होता सर. एनर्जी उसको कह लें, कुछ ईएमएफ के सेंस में कह लें, ये फिजिक्स में भी वोल्टेज की जगह ई का सिंबल यूज होता था. ठीक है, आगे क्या लगा हुआ जी? डायोड सर. और उसके आगे क्या लगा हुआ? डायोड सर. रेजिस्टेंस. डायोड के आगे रेजिस्टर सर. डायोड के आगे सर उसको ग्राउंड किया हुआ है. तो इस रेजिस्टेंस को कोई और नाम भी होता है, इन जनरल भी से कुछ कहते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है उसे कुछ और भी कहते हैं जी. लोड सर. लोड. लोड कह लिए. लोड. सो लोड लाइन एनालिसिस के अंदर अब ये काफी हद तक मतलब क्लियर हो गया. ठीक है, कि हमने कोई ना कोई सर्टेन लोड है और उसको अगर हमने एनालाइज करना तो हम देख लेंगे कि उसके क्रॉस क्या वोल्टेजेस बन रहे हैं, क्या करंट की वैल्यू बन रही है. और सॉल्विंग द सर्किट ऑफ फिगर 2.1 जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द करंट एंड वोल्टेज लेवल दैट विल सेटिस्फाई बोथ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड एंड द चूजन नेटवर्क पैरामीटर्स एट द सेम टाइम. तो जो जो आपने वैल्यूज ली हुई हैं, जो जो इस नेटवर्क के आपने पैरामीटर लिए हुए हैं, दैट इज़ अ कंप्लीट नेटवर्क. ये जो आपको एक पूरी चीज़ नज़र आ रही, और उसके अंदर किस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है. लेट से मैं डायोड की बात कर लेता हूँ, तो डायोड के ऊपर एक सर्टन वीडी के ऊपर क्या आईडी होगा. इसी तरह अगर मैं रजिस्टर की बात कर लेता हूँ तो एक सर्टन वीआर के ऊपर क्या हमारे पास आर होगी. तो इन चीज़ों को हमने एनालाइज करना है. ठीक है, इन चीज़ों को जो है वो हमने एनालाइज करना है. और अगर हम यहां पर देखें तो अब ये भी थोड़ा थोड़ा आपने मुझे बताना है ताकि आपका माइंड थोड़ा खुले, हम थोड़ा सोच सकें. इसको देखें अंदर,
ये जो कलरफुल लाइन है इससे तो आपकी फ्रेंडशिप पहले ही है। कलरफुल लाइन किस चीज को जाहिर कर रही है? तो जो लोड की करेक्टर से जो पोटेंशियल वैल्यू लोड के करंट की पोटेंशियल फॉर सर वैल्यू ये जो मेरे पास है ये जो कर्व जा रही है एक्सपोनेंशियली जो इंक्रीज कर रही है किस चीज को जाहिर कर रही है? एक कैरेक्टरिस्टिक को लोड लाइन ये लोड जो करंट डायोड करंट का सर डायोड फॉरवर्ड बायस जो लोड की लाइन है जैसे ये वाली है जो करैक्टरिस्टिक्स को बयान कर रही है नहीं जिसको मैंने सर्कल किया वो उस पर डिस्कशन हो रही है अभी सर जो डायोड में से मतलब करंट पास करने के लिए जो मैं वोल्टेजेस रिक्वायर है उसकी लाइन है तो अब आपके पास ये चीज क्या है ये जो मैंने ये खुद से मैं बना रहा हूँ ये किस चीज की कर्व होती थी पहले देखी नहीं ये कर्व बनी यस सर किस चीज की होती यस सर सर हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉरवर्ड बायस होता है इसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ जाता है जो एक मतलब पर्टिकुलर करंट को रिक्वायर होता है पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए ये जो मैंने रेड कलर की राइट साइड पे बनाई है इसको आप वोल्टेज जब ये पूरे ग्राफ के ऊपर प्रॉपर बन जाती है लाइकवाइज दिस इस तरह से किसी ग्राफ के ऊपर ये बनी होती है एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास वोल्टेज होता है यहाँ पे आपके पास करंट होता है तो इसको आप क्या कह रहे थे इसको आप वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व कह रहे होते ठीक है यस सर फ्लूइड के करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है ठीक है तो हमने टॉपिक का नाम देख के अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को आगे पीछे नहीं करना ठीक है तो पहली बात ये है कि ये जो मैंने सर्कल किया हुआ था ये किसको जाहिर कर रहा है ये जो कर्व है किसको जाहिर कर रही है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व को या डायोड की वीआई कर्व को सिर्फ वीआई कर्व या इस तरह के नहीं किस चीज डायोड की लिखा हुआ उसने भी यस सर ठीक है तो आप लोगों ने इस कोर्स में एक ही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि तुक्के लगाने छोड़ देने ठीक है समझ के जी और एक ब्लैक कलर की लाइन बीच में बनी हुई है क्या बनाओ जी ब्लैक कलर की लाइन है सर ब्लैक कलर की लाइन है वो लिखा भी हो उसने एरो भी लगाया वो किस चीज को जाहिर करी लोड लाइन के सर लोड लाइन है सर लोड लाइन ठीक है वो आपके पास पहले वाली क्या थी और ये लोड लाइन और आपके ये माइक में शोर है थोड़ा ना माइक को बंद करना चाहिए ये आपको आर रेजिस्टर दिखाया ठीक और ये ब्लैक कलर की लाइन उसके अकॉर्डिंगली आपने बना दी है फिर इस ये दो कर्व्स एक पॉइंट पे मिल भी रही हैं सही यस सर पॉइंट क्यू पे सर क्यू पॉइंट के ऊपर ठीक है और जिस पॉइंट पे ये मिल रही है उसको हम क्यूसेट पॉइंट कह रहे हैं और उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो दैट इज वीडी क्यू और जो उसके ऊपर करंट है दैट इज आईडी क्यू ठीक है जी और अगर आप रेजिस्टर का करंट देखें तो रेजिस्टर के करंट को क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं मतलब V is equal to IR I is equal to V over R V is equal to V over R और I क्या बनता है I is equal to V over R ठीक है तो सही चीजें लिखी हुई हैं ये जो मैंने सर्कल किया यस सर और जो डायोड के क्रॉस और सॉरी लोड के क्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा उसको क्या लिखा हुआ है E ये मैक्सिमम पॉइंट्स को जाहिर किया जा रहा है आपको वो सारी लॉजिक का पता है कि जब आपके पास करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज क्या है या वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट की क्या वैल्यू होगी सो एक्स एक्सिस पे आपके पास वोल्टेजेस हैं राइट और
वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास करंट है। डायोड को आप शॉकलेस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं और रेजिस्टर को आप ओम लॉ के क्रॉस ओम लॉ के थ्रू जो है वो देखेंगे, ठीक है। और yes, बाकी पूरे को जब पूरे को इन डिटेल एनालाइज करना है तो हमारा क्या तरीकेकार होता है, ये तो एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ओवरव्यू था, लेकिन हमने जब कोई प्रॉपर चीज करनी होती है तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट में अगर कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करना चाह रहे होंगे सर्किट को प्रूव कराओ। यही चीज सीखी है कि किस टाइम के ऊपर कौन सी टेक्निक बेस्ट सूटेबल है। पहले तो आप टेक्निक्स पढ़ते गए ना, मतलब तो एट द एंड जो है वो क्वेश्चन टेक्निक फ्री हो जाते हैं कि आप सर्किट को देख के खुद से एनालाइज करें। क्वेश्चन वाला बस ये कहता है कि फाइंड आउट द वी या आई, ठीक है। सो आप खुद से जज करते हैं कि यार इसमें नोडल बेस्ट रहेगा, मैच रहेगा, ठीक है। ये तो केवीएल केसीएल के फर्दर अपग्रेडेड जरा वर्जन है। सो अगर हम लूप लगाएं तो उसमें हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमने लूप लगाया और लूप के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो देख लिया कि ई माइनस वी डी और माइनस वी आर, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा सीधा करें इस इक्वेशन को तो हमारे पास बन जाता है E is equal to VD plus IDR। किसी स्टूडेंट को इसमें तो इशू नहीं है ना कि आपने ऊपर जो KVL लगाया? नो सर। ठीक है, आपने ये आपके पास लूप जो है वो लगा हुआ है तो अब मैं उसमें इंटरप्ट तो नहीं करूंगा, जो भी आपने टेक्निक पढ़ी है। लेकिन सम एक टेक्निक ये भी होती है कि एरो हिटिंग द पॉजिटिव साइन, तो इसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ पे भी एरो हिटिंग द पॉजिटिव साइन, इसको भी आप पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एरो हिटिंग द नेगेटिव साइन, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि वी डी और प्लस वी आर। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ इसकी मल्टीपल टेक्निक्स हैं, जो भी किसी ने पढ़ी हुई है इसको ये देख के अपना कोई भी चीज़ खराब नहीं करनी। अगर वो पहले से ठीक है, अगर खराब है तो ठीक कर ले, अगर ठीक है तो फिर खराब करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सो दैट इज वही चीज है, इज इक्वल टू और वी डी और प्लस वी आर। अब इसके मल्टीपल चीजें मुझे पता है, मैंने ये मेरे पास एक सोर्स है ना, तो डेसिपेशन इन दो पॉइंट्स पे हो रही है, वी डी के क्रॉस और वी आर के क्रॉस, ठीक है। जैसे सोर्स और डेसिपेशन होती है, ठीक है, सोर्स इज इक्वल टू वो डेसिपेशन जहाँ पे भी हो रही है, या सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो जिस वे में भी आपने कुछ पढ़ा हुआ वो आप उसको उसी तरह ने। सो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, इज इक्वल टू वी डी प्लस आई डी आर, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। और अगर हम इसमें से अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है 2.1, ठीक है, अब इसमें अगर हमने देखना हो कि हमारे पास किस टाइप की चीजें आ रही, क्या हो रहा है, अगर आपने इंटरसेक्शन देखना, द इंटरसेक्शन ऑफ द लोड लाइन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कैन इजीली बी डिटरमाइंड इफ वन सिंपली इंप्लाइज द फैक्ट दैट। अब आपने क्या करना है कि आप आईडी को एक दफा लेट से जीरो करके देख रहे हैं या वीडी को जीरो करके देख रहे हैं, तो अगर आप वीडी को जीरो करते हैं, ठीक है, अगर आप ये सेट करते हैं, ज्यूम यू आर जस्ट ज्यूमिंग आपके पास वीडी क्या है, जीरो है ना, और वो वीडी जो है उसको जब आप जीरो कंसिडर करें, ठीक है। सो अब आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो आपके पास क्या यही रिजल्ट बनता है 2.2 वाली इक्वेशन में, इसको पहले हाईलाइट करते हैं। यस सर, अगर आप वीडी को जीरो सेट करें और यहाँ पे अप्लाई करें तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ऐसे अगर आप वीडी को जीरो करेंगे तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर, IDR, IDR. और VD क्या हो जाएगा, E over R, जब आपके पास VD जो है वो जीरो है, ठीक है, तब ये डायोड का करंट बन जाएगा, ठीक है। यस सर, और दूसरे केस में क्या है कि अगर आप ID को जीरो सेट करें, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, ID आपके पास सर VD रह जाएगा बस, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ VD रह जाएगा सर, VD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा,
अब इसमें इससे क्या मुराद है कि सारी की सारी एनर्जी जो है ना वो डायोड के क्रॉस डेसिपेट हो रही होगी। सपोज ये अगर मैं इसको इस तरह कर लूं, जब आप आईडी जीरो होने का क्या मतलब है कि लूप के अंदर जीरो करंट ऐसे ही है? यस सर। यस सर ऐसे ही है ना। आई जीरो आईडी जीरो होने का क्या मतलब है? यही पूरे लूप के अंदर फ्लो कर रहा है ना सीरीज में। यस सर। तो V is equal to IR, ये क्या हो जाएगा? जीरो। V is equal to IR, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये सारी की सारी एनर्जी फिर जा कहाँ पे रही होगी? डायोड पे। डायोड के क्रॉस। ये सारे का सारा वोल्टेज किसके क्रॉस आ रहा होगा? डायोड के। ओपन सर्किट के क्रॉस ये वोल्टेज आ रहा होगा, जब क्योंकि ये रेजिस्टर V is equal to IR की वजह से क्या हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएंगे। और वोल्टेज जीरो कब होते हैं? जब ओपन सर्किट होता है। वोल्टेज जीरो जानी तब होते हैं जब शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है जब, ठीक है। यस सर। ओपन में तो मैक्सिमम हो जाते हैं, डायोड ओपन हुआ है ना तो उसके क्रॉस सारी चीजें हमें मिल रही। यस सर। बात है शॉर्ट ओपन वाली चीजें, तो अगर किसी को इस सेंस में समझ नहीं आ रही कि ओपन के क्रॉस सारी चीजें हो रही, तो आप केवीएल लगा लें भाई। वो केवीएल क्या कहते हैं? इज इक्वल टू is equal to आगे लगाया था ना पहले VD plus ID, VD plus VR, VR. तो I zero होने की वजह से VR क्या है? Zero है? Yes sir. तो equation क्या कह रही? is equal to VD, battery सारी किसके सारी की open circuit के अंदर। तो यहाँ से एक और आपने चीज देख ली कि open circuit के अंदर voltage क्या होता है maximum, जो battery थी सारी आपको open diode के cross मिल रही, और करंट क्या है? जीरो। ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है जी? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हो जाता है और वोल्टेज जीरो हो जाता है। ठीक है जी। सो ये एक वे था उसने, अब यहां पर आपको दो एंड्स बता दिए, ठीक है। एक एंड पे उसने आपको क्या बताई है चीज, कि अगर जब आप VD को जीरो लेते हैं तो ID क्या हो जाता है? ID is equal to E over R, ठीक है। तो अब बात समझ आई कि उसने VD जीरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? I is equal to E over R, ठीक है। एक केस, ठीक है जी। VD इसका मतलब सर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, करंट मैक्सिमम है, VD जो है वो डायोड के क्रॉस अगर आप जीरो लेंगे जी, वो एक इस तरह ये बिल्कुल एक लाइन की तरह बिहेव करेगा, ये जैसे मैं लगा दिया डायोड यूं सीधा हो, ठीक है, एक बिल्कुल वायर की तरह, ठीक है। अब उसका सर्किट में रोल जो है वो इस टाइप का हो गया, ठीक है। अब दूसरे केस में मैं क्या कहता हूँ कि अगर मेरे पास लेट से अब वीडी जीरो नहीं है, अब क्या जीरो है? करंट जीरो, आई डी जीरो। तो आई डी के केस में क्या होगा कि वोल्टेज किसके बराबर हो जाएंगे? ई के बराबर। ये भी जो दो केस हमने डिस्कस किए, ठीक है। अब आपको बात समझ लगी कि उसने क्यों ये सारी, यस सर, ठीक है। और ये मैं क्यों, ये जो अभी मैंने ग्राफ के दोनों तरफ रेड रेड कलर में ये मैंने सारा लिखना शुरू किया है, ये मैंने इन चीजों के बेस के ऊपर लिखना शुरू किया, जो दो केसेस आपने बनाए हैं। कौन से केसेस हैं जी? उनको दोबारा, एक शॉर्ट सर्किट था और एक ओपन। इफ इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और उसमें एक केस आ गया, और अगर आपके पास आईडी जीरो हो तो वो केस आ गया, ठीक है। तो दोनों को आपने लेबल कर दिया, दैट वाज योर लोड लाइन, और जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं दैट इज योर क्यूसेट पॉइंट। और मजे की बात क्या है कि आप जब अभी आपको ना कुछ भी नहीं पता था, आपके पास जो चीज थी मैं बताता हूँ आपको, आप बस क्या क्या था, आपको डायोड की करेक्टरिस्टिक कर्व पता थी, आपने वो बना दी, ठीक है। डायोड की करेक्टरिस्टिक कर्व पता थी, पता होती ना कैसे बनती है, पहले चैप्टर में सीखा है ना वो बना, yes, sir. ठीक है। फिर आपने दो पॉइंट्स को किया कि एक दफा एक को जीरो कर लें और एक दफा एक को जीरो कर लें, दो केसेस बन गए, बन गए ये।
यस सर। ये तीन तीन चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, एक दो मैंने टिक मार्क्स लगाई हैं, कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस आपको चैप्टर वन के थ्रू पता है कि डायोड की कैसे बनती है वो आपने बना दी, और दो केसेस लेके आपने एक ई बना लिया और एक ई बाय आर बना लिया, ठीक है। अब आप यस सर स्केल पकड़ें और ई बाय आर और ई को मिलाएं जहां पर वो इंटरसेक्ट कर जाएगी कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, वो आपका क्यू पॉइंट होगा। बात समझ, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको आप मिला दें, ठीक है, ये सीधा आपके पास, ठीक है। सो ये क्यू पॉइंट के ऊपर आपके पास इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है जी। सो ये पूरा उसमें आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह से ये जो भी मैंने काम किया ये आपके नोट्स के लिए हाईलाइट किया, इसको जरा रीड आउट करें ना क्विक वे जल्दी से जरा। फिगर 2.2a पढ़ लिया जी? यस सर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट में क्या है कि चेंज द लेवल ऑफ आर। अब आपने क्या करना है कि लोड को, अगर आप लोड को वेरी करते हैं, ठीक है, आर को अगर मैं वेरी करूंगा तो उससे वोल्टेज करंट वगैरह पे फर्क पड़ेगा? यस सर, तो वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या चीजें हैं कि अगर आप आर को वेरी करते हैं ना, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑन द वर्टिकल एक्सिस, तो आपके पास करंट की वैल्यू चेंज होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये देखें, ये 2.2 को मैंने हाईलाइट कर दिया, आई डी इज इक्वल टू ई ओवर आर। तो अगर आप आर को चेंज करते हैं तो आपके पास करंट भी जो है वो चेंज होगा, ठीक है। यस सर, सर हर टाइम आई इज इक्वल टू ई ओवर आर तो नहीं ना रहना, ये तो मैक्सिमम सिनेरियो है ना। यस सर, ठीक है, इससे कम भी होना है। सो खैर दैट इज द वे के आपके पास फिर पूरा जो ग्राफ है ना वो चेंज होगा। द रिजल्ट विल बी चेंज इन द स्लोप ऑफ द लोड लाइन एंड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लोड लाइन एंड द डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उसके लिए फिर एक डिफरेंट टू पॉइंट जो है वो बनेगा। लाइकवाइज देखिए मैंने रेजिस्टेंस को जो है वो चेंज कर दिया, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा सर, कम होता जाएगा। आप सपोज करें कि आप इस पॉइंट पे आ गए, ये आपके पास करंट का वैल्यू है, ठीक है, समझ रहे बात को, बन गया। तो अब मैं एक मैं लोड लाइन मैं अब एक लाइन खींचने लगा हूँ, वो साफ जहर आड़ी टेढ़ी होगी, इसमें मैं स्केल रख के तो कंप्यूटर पे नहीं खींच सकता। ये देखिएगा मैं सपोज एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, मैं इसको ई से मिला दिया, तो अब मुझे बताएं कि क्यू पॉइंट मेरा चेंज नहीं हो गया? यस सर, जो लोड लाइन यस सर चेंज हो गया। सो खैर ये एक पूरा एक वे है कि आप किस करंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, और आपको क्यू पॉइंट पे क्वेश्चन पॉइंट पे आप ऑपरेट करते हैं, और ये सारे मामला थे, ये सारा उसने आपको सिखाया हुआ। सो अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, तो सबसे पहले तो उसने लिखा हुआ जी फॉर द सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 2.3a एम्प्लॉइंग द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 2.3b। अब देख लेते हैं डिटरमाइन वीडी क्यू और आईडी क्यू। आप मुझे बताएं कि वीडी और आईडी का तो आपको पता ही है, क्यू क्यू क्या चीज है बीच में वीडी क्यू और आईडी अब कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे कि आप दो केसेस जो आपने लेने हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने दोनों केसेस फाइंड आउट कर लिए, वी डी जीरो करके आपने अपना आई डी निकाल लिया और आई डी जीरो करके आपने वी डी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और दो पॉइंट्स आ गए। तो अब आप क्या करेंगे, उन दो पॉइंट्स को मिला देंगे जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर वो टच कर रहे होंगे, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा जी? जी रहेंगे दो पॉइंट्स आपके पास आ गए थ्रू कैलकुलेशंस, अभी आपने कैलकुलेशन ऊपर की थी, तो आपने उन दो पॉइंट्स को जब मिलाया है, एक आपके पास 20 पॉइंट आ रहा था और एक 10 आ रहा था, तो 10 और 20 को वर्टिकल एक्सिस पे 20 और एक्स एक्सिस पे 10, 10 और 20 को मिलाया तो क्यू पॉइंट आपके पास बना है तकरीबन 18.5 मिली एम्पीयर के ऊपर। तो ये आपका आईडी क्यू है और ये आपके पास वीडी।
ठीक है, तो आपने यस सर क्या काम करना है कि दोनों केसेस के अकॉर्डिंगली आईडी और वीडी फाइंड आउट कर लेना जो दो केस हैं, ठीक है, और फिर हम दो मिलाना है। तो जैसे अभी मैंने आपको एक लाइन बना के दिखाई थी, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे क्यू पॉइंट है। और रहेगी बात वी आर की, तो वी आर आपने लूप ऑलरेडी लगाया हुआ इज इक्वल टू वी डी प्लस वी आर, तो उसमें से आप वी आर निकाल लें केवीएल लगा के, ठीक है। वो अगेन मैंने आपको एक करके बता दिया था कैसे होना है, साथ में मैंने ये भी आपको कह दिया कि आपने जो भी टेक्निक पढ़ी हुई है साहब देर अलेक्जेंडर की बुक में बहुत डिटेल में चला जाता है कन्वेंशंस के ऊपर, और बहुत एक डिटेल उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है सर्किट में, वही आपने पढ़ी होगी। सो इसलिए मैं उसको किसी की बेसिक्स को नहीं छेड़ना चाहता, उसने जिस तरह भी की हुई है आंसर डेफिनेटली बात पर सेम ही आता है अगर उसकी कॉन्सेप्ट ठीक है, राइट जी, ठीक है, यस सर। और ये आपके पास हो जाएगा, तो इस तरह से जितने भी चीजें होंगी वो मतलब लोड लाइन और आईडी क्यू वो आपने फाइंड आउट वगैरह करनी है। अगर आपको वैल्यूज वो देने लग जाए ठीक है, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब ये देखें उसने किया हुआ यूजिंग द क्यू पॉइंट वैल्यूज द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ एग्जांपल 2.1 इज, आपको वी डी क्यू और आई डी क्यू का पता है, आप उस पॉइंट पे वैल्यूज निकाल लें तो वो आपकी रजिस्टर जो है वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, जो आपका लोड है जिसको आप लोड लाइन कह रहे हैं, लोड लाइन करैक्टरिस्टिक कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के वोल्टेजेस और करंट के थ्रू आप रेजिस्टेंस की वैल्यू भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बेसिकली डिजाइन भी कर सकते हैं कि किस टाइप का मैंने रेजिस्टर लेना है या कितनी वैल्यू का लेना है, या सम और इस सेंस में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर उसने हमारे पास वैसे ही एक रजिस्टर लगा दिया, तो आप लूप लगा के उसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करें कि आप वी डी क्यू और आई डी क्यू के थ्रू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें ना 42.16, ठीक है, तो आपको बताना चाह रहा है कि ये जो आपने डायोड के वोल्टेज के ऊपर और डायोड के करंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, इट फील्स लाइक कि वो डायोड उतनी आपको रेजिस्टेंस दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। 42.16 क्या होगा क्योंकि वी डी भी वोल्टेज डायोड का है और आई डी भी कौन किसका करंट है डायोड का, ठीक है, तो डायोड के वोल्टेज और डायोड के करंट से आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर अगर डायोड को इन सेंस ऑफ रेजिस्टेंस में अगर लिखना चाहूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ 42.16, क्योंकि डायोड भी क्या है यहाँ पे भी डेसिपेशन ही हो रही होती है, और जब उसको आप 0.7 वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते, तो ये सारी उसकी आपको बात सिखाने का मकसद ये था कि अगर आप डायोड को एज अ लोड या ये देखना चाहें कि डायोड के क्रॉस क्या डेसिपेशन हो रही है तो वो ये चीज है। और जहां पर आपको आइडियल डायोड होगा वहां पर आप उसको जीरो वगैरह कंसीडर करेंगे, जहां पर डायोड आइडियल नहीं है प्रैक्टिकल डायोड या सिलिकॉन या जर्मेनियम वगैरह का वर्ड यूज किया होगा वहां पर उसको आप 0.7 कंसीडर करेंगे या 0.3 कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप कंसीडर करेंगे उसको, फिर जीरो आपने कंसीडर नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर कि रिपीट एग्जांपल 2.1 यूजिंग द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल फॉर द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। सो जब ये आप काम कर रहे होंगे तो तब आप जो वीडी है ठीक है उसको क्या ले रहे होंगे 0.7 कंसीडर करेंगे। आइडियल डायोड के केस में आप क्या काम करते हैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको जीरो देते हैं, आप आइडियल डायोड के केस में करते हैं तो आप वीडी इज इक्वल टू जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब आप कोई भी प्रैक्टिकल डायोड लेते हैं तो सिलिकॉन का है तो आप उसको 0.7, जर्मेनियम का तो 0.3, गैलियम आर्सेनाइड का तो 1.2 उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। यस ठीक, क्योंकि आप आइडियल के केस में ये देख रहे हैं कि आपको कोई भी पोटेंशियल बैरियर रिक्वायर नहीं है, जस्ट आप फॉरवर्ड के कनेक्शंस ठीक कर दें तो आपके पास फ्लो करने लग जाता है।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी सिलिकॉन के अकॉर्डिंगली उसने 0.7 बनाया हुआ। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये जिस लाइन को मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये वाली लाइन जिसको रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया, ये 0.7 की लाइन है, तो 0.7 से थोड़ा सा उसने आगे बनाया हुआ है, जो कि आपके पास क्या है 0.5 से थोड़ा सा आगे आपको क्या मिल रहा है जी, ये जो लाइन है, ये जो मैंने रेड कलर की लगाई हुई है, दैट इज 0.5, तो उससे थोड़ा सा आगे उसने कर्व बनाई हुई है 0.7 की, ठीक है। और ये आपको पता है कि जब आप इक्विवेलेंट मॉडल उसका ले रहे होते हैं, ठीक है, तो आप इसी टाइप की ही कर्व ये बनाते हैं, ये चीज। इसमें आप फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज वाली नहीं लाइन बनाते, आपने तीन मॉडल चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाए ना। यस सर, ठीक है, इसमें डिस्टेंस सर जी इसने 0 ले लिया, यानी सिंपल आर नेटवर्क बहुत हाई होता, आर एवी वगैरह, आर एवरेज, आर की ऐसी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती, ठीक है। सो तीन केसेस बने हुए, वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ताकि नेक्स्ट में सॉल्व वगैरह करने के लिए। सो इसमें आपने क्या काम करना है, इसमें आपने 0.7 के अकॉर्डिंगली वैल्यू रख के तो ये सारी कैलकुलेट करनी है कि क्या आपके पास वाकई ही ऐसा आता है जिस तरह ये उसने ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है। तो ये आपने काम, ये अपने अपने तौर के ऊपर जो है वो रिपीट करने की कोशिश करनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर और आपके कॉन्सेप्ट्स को वो ठीक करे यूजिंग द आइडियल डायोड मॉडल। अब आइडियल डायोड का आपको पता है कि आइडियल डायोड के मैं कर्व ये बनाने लगा हूँ, आइडियल डायोड का आपको पता है कि आइडियल जो होता है वो 0 के ऊपर ही आपको मैक्सिमम दे रहा होता है, जबकि अभी जो आपने सिलिकॉन वाला देखा था वो किसके ऊपर, उसकी कर्व ऊपर जा रही होती है 0.7, 0.7, यस सर, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने बना दी, तो एक सिलिकॉन वाला एक आइडियल वाला। तो अब उसने कहा है कि आप 2.1 को रिपीट करो यूजिंग द आइडियल डायोड मॉडल, तो ये आपने ये मैं साथ सब ये उसके ग्राफ के ऊपर बना रहा हूँ, ये उसने बनाया हुआ ना, क्योंकि इसका कलर उसने डिफरेंट किया हुआ ना, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब इसमें वीडी क्यू क्या है, वीडी डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा जब आप उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे 0, यस सर, ठीक है, डायोड के क्रॉस 0, और करंट उसका क्या है जी, करंट आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम 20 mA आपके पास करंट है, ठीक है जी। सो ये सिनेरियो है। जब आप बात कर रहे थे सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के केस में क्या था 0.7, फिर 0.7 के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब आप आइडियल की बात करते हैं तो आइडियल के केस में कितना है जी, 0 है, 0। तीनों एग्जांपल्स है ना, ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं इनको इस तरह से नहीं आपने करना कि जिस तरह मैंने लेट से आपको समझा दिया, आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस वे में इसको एनालाइज करना है, उस वे में आपके फिर कॉन्सेप्ट ठीक होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 20 क्यों आ गया, ठीक है, ये दोनों चीजें किधर से आ गई, ठीक है जी। और क्या ये जो उसने चीज लिखी हुई है, क्या ये सही है कि वीडी को 0 कर दिया और ये नीचे आईडी लिखा, पहली बात, ठीक है। जब मैं पिछली एग्जांपल में जाता हूँ तो मुझे क्या चीज देखना है, मैंने थ्रू कैलकुलेशन पूरा सारा सर्च आउट करना है। अब मैंने यहाँ पर ठीक है क्या काम किया कि आईडी मेरे पास वीडी क्या सिलिकॉन के क्रॉस 0.7, ठीक है। अब देखना ये है कि 0.7 के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो करंट है अब 20 क्यों नहीं है, समझ रहे ना बात, यस सर। अब मेरे पास जो करंट है वो 20 क्यों नहीं है, अब मेरे पास जो करंट है वो 18.5 mA, ठीक है। और इसी तरह आप ऊपर फाइंड आउट कर रहे थे, पहली एग्जांपल वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको देख के आपने एनालाइज करना है, जिसको देख के आपने इक्वेशंस वगैरह लिखनी है, वैल्यू सारी लिखनी है, बात समझे, ठीक है। यस सर, तो ये आप सारे जो है वो इन एग्जांपल्स को आप लोगों ने
सॉल्व करना। बताने को वन एक सिंगल पॉइंट पे बता दी जाएंगी, लेकिन उससे कोई उसका बेनिफिट नहीं है। जैसे बाकी चीज़ें बता रहा हूँ रिलेट कर कर के, तो उसमें कोई लर्निंग नहीं होगी आप लोगों की। अब सीरीज डायोड क्या जी, डायोड अगर हम सीरीज में लगा लेते हैं तो, और ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये खैर आपको बताई तो हुई है कि डायोड को आप क्या कहते हैं। इन जनरल अ डायोड इज इन द ऑन स्टेट, ठीक है, जिसको आप ऑन स्टेट कह रहे हैं, जिसको आप फॉरवर्ड बायस कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो कंडक्ट कर रहा है, ये सारी एक ही बातें, ठीक है। इफ द करंट एस्टेब्लिश्ड बाय द अप्लाइड सोर्स इन सच दैट इट्स डायरेक्शन मैचेस दैट ऑफ द एरोज इन द डायोड सिंबल, यानी कि डायरेक्शन मैचेस का क्या मतलब है, जिस वर्ड को आप फॉरवर्ड बायस कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि डायोड का जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ और डायोड का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ, वो ये कहता है कि आपका डायोड उस वक्त ऑन स्टेट में होगा जब आप ये मैचिंग कर लेते हैं। लेकिन और मैचिंग भी किस सेंस में करते हैं, वी डी जो है वो 0.7 वोल्ट हो फॉर सिलिकॉन, और वी डी ग्रेटर देन 0.3 वोल्ट हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू फॉर जर्मेनियम, और वी डी 1.2 फॉर गैलियम आर्सेनाइड, ठीक होगी बात। ये वो बातें हैं जो कि मैं बार 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 कोट कर रहा था, और ये क्यों हमने इस तरह की बातें की हैं, ये हर मटेरियल की अपनी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, और पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है डिफरेंट मटेरियल्स के अकॉर्डिंगली, ये उनके लेबलिंग है, ठीक है जी। यस सर। ओके, और अब इसको अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेट एंड आइडियल सेमीकंडक्टर डायोड मॉडल्स, ये सिलिकॉन का आपके पास मॉडल बना हुआ है, और 0.7 के ऊपर आपके पास कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पर ये गौरतलब बात है, अब आप इसको क्या लिखेंगे, डायोड को जब आपने सर्किट में यूज करना है तो आप ये डायोड को बनाएंगे, ये इस पर मैं टिक मार्क करने लगा हूँ, ये जिस पे मैंने टिक लगाई हुई है, जब आप सर्किट सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जब डायोड ऑन स्टेट में होगा तो आप उसको जब सॉल्व करना है तो आप उसको ये 0.7 वोल्ट कंसीडर करेंगे, जब आप केवीएल लगाएंगे तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, 0.7। यस सर, ठीक है। आप ऐसे ही इसको जहनी तौर पर समझ लें अपनी आसानी के लिए कि ये जैसे एक बैटरी नहीं होती, ठीक है, वर्डिंग इस तरह नहीं करनी, आप उसी तरह रखें 0.7 वोल्ट उसके क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो रहा होगा, ये इस तरह की टेक्निकल टर्म्स ही रखें, लेकिन ये लाइकवाइज बैटरी के टर्मिनल जैसे आपके पास उस तरह के आ गए, ठीक है। और जब आपके पास वो ऑफ स्टेट में है, उस ऑफ स्टेट को अब मैंने हाईलाइट किया, ये ऑफ स्टेट आपको नजर आ रही है एक्स एक्सिस के ऊपर मैं सर्कल बना, ठीक है, तो ऑफ स्टेट के अंदर आईडी क्या है जी, जीरो, ठीक है जी। तो करंट जीरो कब होता है, जब ओपन सर्किट हो, ओपन, तो अब मैं दोबारा टिक मार्क लगाने लगा हूं, जब डायोड ऑफ स्टेट में होगा तो अब आप सर्किट में इस तरह की चीजें बनाएंगे जिनको मैं टिक्स लगा रहा हूं, ओपन, ठीक है। और जब ऑन स्टेट में होगा तो आप उसकी जगह क्या बनाएंगे, 0.7, क्योंकि देखे ना हम इस कोर्स का क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, डिवाइसेस एंड सर्किट, तो डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पे हमने पढ़ लिया, तो उसकी जगह इक्विवेलेंट हमें 0.7 लिखना है या क्या कुछ लिखना है वो हम मेंशन यहां पर करेंगे, ठीक है जी। सो जब आपके पास आइडियल डायोड है तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, जीरो, जीरो वोल्टेज रिक्वायर है पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए, आइडियल केस है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बैरियर को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है, यही फर्क होता है आइडियल में और बाकी चीजों में। तो आइडियली आप ज्यूम कर रहे हैं कि आपको बैरियर क्रॉस करने के लिए एनर्जी नहीं रिक्वायर, लेकिन ये आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली होती है, ठीक है जी। तो और जो मैं बार बार वर्डिंग यूज करता था कि जी वो एक वायर की तरह बिहेव करेगा, वो एक बिल्कुल तार की तरह होगा, ये अब आप उसको देखें, ये क्या वही चीज नहीं है, मैं सर्कल लगा रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप बनाएंगे सर्किट के अंदर, ठीक है, तो आप सिंपल एक लाइन ही लगा रहे होंगे, वो केवीएल के अंदर एक तरह की इंक्लूड ही नहीं होगी, क्योंकि जीरो ने क्या इंक्लूड होना है, प्लस जीरो या माइनस जीरो इज नथिंग, क्या क्या है? यस सर, ठीक है, वो ऐसे ही है जैसे वायर है। फॉर एग्जांपल आपके पास बैटरी थी, ठीक है, और डायोड जो है वो
यहाँ पर लगा हुआ था आपके पास, तो अब जब आपने ये काम किया है ना, तो अब आपके पास क्या होगा उसी तरह कि ये बैटरी होगी और डायोड की जगह जब वो आइडियल होगा तो डायोड इस तरह से आपके पास, ठीक है, ये सारी जगह मैंने क्या एक वायर की तरह बना दी, ठीक है, और आगे आपके पास लोड लगा हुआ, ठीक है जी। सो यस सर, और ये जो चीजें है ना, ये देखें, ये पहले भी मैं पढ़ा गया था, इस पे आगे फिर क्यों रुक गया हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी को इसका नहीं आइडिया तो मैं बार बार कह रहा हूँ इन चीजों को देखे, यहाँ से या तो आप इंटरेस्ट डेवलप कर जाएंगे या लूज कर जाएंगे, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स हैं। और जब आईडी जीरो है तो हमें पहले पता है कि आईडी जीरो के केस में वो ओपन सर्किट है, ठीक है। सो जो बार बार आपको ऊपर वो कह रहा था कि रिपीट एग्जांपल 1 बाय कंसीडरिंग सिलिकॉन, रिपीट एग्जांपल 2.1 बाय कंसीडरिंग आइडियल, तो कॉन्सेप्ट उनके अंदर यही थे। सर ये डायोड के अंदर जो आइडियल डायोड है इसमें आईडी जीरो कैसे होगा, यानी कि वो वोल्टेज जीरो हो तो हमें पता चल जाता है, यानी एक शॉर्ट सर्किट वायर है, तो ये आईडी जीरो से क्या मुराद है? ID0 से ये मुराद है ना कि आपने रिवर्स बायस में उसको जोड़ा हुआ, पोलैरिटीज आपने अपोजिट कर दी है। यस सर, ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी फॉरवर्ड बायस रिवर्स पोलैरिटी ID0। तो अब उसी तरह ये सर्किट देखे, फिगर ए और फिगर बी, आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है कि फिगर ए के उसने कहा कि डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ द डायोड ऑफ फिगर 2.1 सब्स्टिट्यूटिंग द इक्विवेलेंट मॉडल फॉर द ऑन डायोड ऑफ फिगर 2.9। आप क्या काम करें कि अगर आपको पास डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है, फिगर ए को देखें जो फिगर 2.9 की मैंने हाईलाइट की, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और सिलिकॉन डायोड है तो मैं ये चीजें फिगर बी में बना सकता हूँ। यस सर, फिगर देखें, और ये डायोड आपके पास किस स्टेट में है, सपोज, ठीक है, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में, तो और सिलिकॉन है, तो क्या मैं इसकी जगह ये इक्विवेलेंट मॉडल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। और अगर यही आइडियल होता तो फिर मैं इसको किस तरह लिखता? सर एक वायर ही लगा देते हैं, एक वायर लगा देते हैं इसके अंदर। यस सर, अगर ये आइडियल होता ना तो ये देखें, ये बिल्कुल एक तार बन जाती ना ये सारी, ठीक है। यस सर, समझ लगी बात की? अगर ये आइडियल डायोड होता तो ये बिल्कुल एक वायर की तरह बन जाता, ठीक है, कि ई से ये वायर किधर जा रही है, रेजिस्टर, ठीक है, अभी सारे को यस सर करते थे, वो अभी उसी सेंस में जॉइंट हो गया। अब मैंने ये रिवर्स बायस में लगा दिया ना, अब आप ये देखें ये फिगर 2.10 जो है, फिगर 2.10, अब ये बताएं कि ये जो डायोड है, यस सर, रिवर्स बायस में सर, हम्म, रिवर्स बायस में लगा हुआ है, बाकी बचे बताएं ये रिवर्स बायस होगा या फॉरवर्ड बायस होगा? सर ये रिवर्स बायस है। जब ये रिवर्स बायस होगा तो पहले आपके पास इसकी जगह 0.7 की अगर बैटरी वगैरह आई थी तो आप उसके ग्राफ पर आइए, ओपन सर्किट रिवर्स बायस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से इस लेक्चर के आगाज में इस तरह का केस हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। यस सर, ये वे है कि तो उसने सारा बीच में लिखा भी हुआ है कि डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ द डायोड और आपके पास क्या है सब्स्टिट्यूट द इक्विवेलेंट मॉडल, और ये आपके पास कौन सी स्टेट है, ऑफ स्टेट के अंदर,
और जहाँ पर वीके वगैरह की टर्म है वो चैप्टर वन में मैं आपको बता चुका हूँ, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात कर रहा था वीके। ठीक है, अब ये देखिए बड़ा आसान सा काम है कि फॉर द डायोड सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन फिगर 2.13 डिटरमाइन वीडी वीआर एंड आईडी। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे ये बताएं कि ये फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस है। अच्छा, सारे जो बच्चे जिनको नहीं भी आइडिया ना, वो क्वेश्चन को मैंने अगेन कहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका ये होता है क्वेश्चन को सुना करें, आंसर नहीं भी आ रहा या आप नहीं भी पूछ रहे लेकिन घर पे आकर आप देख लिया करें कि सर ने फलां पॉइंट पे बात की थी, मुझे तो उसका पता ही नहीं। तो वो एक वे होता है कि कैसे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं फिर बंदे को पता चलेगा। फॉरवर्ड वाइज की आपने बात क्यों की है जी? सर क्योंकि इसका जो डायोड की डायरेक्शन बता रही है। यस सर, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड बायस है। अच्छा, दो चीजें, लाजमी नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है तो ये ऑन हो जाएगा। सपोज मैं करता हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ही अटैच है और बैटरी में लगा देता हूँ 0.5 वोल्ट की, तो डायोड ऑन हो जाएगा? नो सर, वो सर डिपेंड करेगा कि मेरे पास डायोड कौन सा है। डिपेंड करता है ये सिलिकॉन है, अगर जर्मेनियम होगा तो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। यस सर, नहीं सिलिकॉन ही है, जर्मेनियम को साइड पे कर दे, बैटरी पॉइंट नहीं होगा। सर सिलिकॉन के लिए नहीं होगा, उसको उतना पोटेंशियल ही नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 0.7 चाहिए सिलिकॉन के केस में ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बात क्या सिखाई है कि पॉजिटिव को देख के पॉजिटिव के साथ खुश नहीं हो जाना, देखना भी है कि वायर को उतना पोटेंशियल भी उसको मिल रहा है या नहीं। ठीक है, सो अभी चूंकि 8 वोल्ट उसको फिक्स मिल रहे हैं और ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इस डायोड की जगह क्या आ जाएगा, इस डायोड की जगह एक बैटरी का साइन आ जाएगा, ये 0.7 की तरह 0.7 वोल्ट का बैटरी का साइन आ जाएगा, जिस बैटरी का पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव इधर होगा। ठीक है, वोल्टेज आप उसको जब ये फॉरवर्ड बायस होगा ऑब्वियसली, और ये यकीनन फॉरवर्ड बायस ही है। सर ये वीडियो तो वैसे ही आ जाएंगे ना 0.7। ठीक है जी, तो अभी मैंने नीचे आने से पहले ऊपर अभी तस्वीर के अंदर 0.7 वाले टर्मिनल बनाए भी थे। ठीक है, सो आप वीडी आपके पास 0.7 है, बाकी आप कैलकुलेट कर लें। वी आर इज इक्वल टू ई माइनस वी डी, केवीएल लगाया हुआ उसने। ठीक है जी, इसमें हम वो एक वीडीआर वगैरह के टेक्निक लगा सकते हैं ना, जैसे रजिस्टर के वोल्टेज फाइंड करने के लिए। क्या कह रहे हैं, रिपीट करें जी। इसमें हम वो केवीएल वगैरह लगाने के बजाय ये टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं ना, जो हमने पढ़ी थी वीडीआर और सीडीआर, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। यानी कि करंट डिवाइड हो रहा है या वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, उस सेंस में आप कहना चाह रहे हैं? यस सर, जो वो सर्किट एनालिसिस में टेक्निक्स पढ़ी थी। नहीं, वो आपकी आपकी बात ठीक है, बच्चों की आसानी के लिए चीज ठीक है, वो थोड़ा उसके लिए थोड़ा फैम होने की जरूरत है कि कब वोल्टेज डिवाइड होता है, कब करंट डिवाइड होता है, कब क्या होता है। यस सर, ठीक है, तो वो एक जिसको समझ आया उसके लिए वो आसान चीज है, जिसको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं उसके लिए वो कॉम्प्लेक्स चीज है। Yes, वो चीजें ठीक नहीं है, वो जिसको थोड़ी सेंस है वो तो ठीक है, अदरवाइज वो मुश्किल एक चीज है। यानी कि पता है तो मुझे समझ आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के अगर उस पर ग्रिप नहीं है तो उनको नहीं आइडिया हो। खैर, सो बिल्कुल आसानी के लिए क्या है कि जो मर्जी टेक्निक लगा लें, आपका अपना दिल है, लेकिन आराम सुकून से केवीएल लगा लें। सो आपने वीआर फाइंड आउट कर लिया और उसने कहा भी हुआ था वीआर फाइंड आउट कर लें, तो फिर आप ने आगे आईडी लगा लिया क्योंकि पूरे लूप में सेम ही है, बजाय कि शॉकले में जाने के या उस सेंस में सॉल्व करने के, उसने आसान काम क्या किया कि आईआर कैलकुलेट कर लिया, जो आईआर है वही आईडी है, पूरे लूप का सेम ही करंट है ना। यस सर, और अब ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं कि जब आप उसने कहा रिपीट द, बल्कि वो एग्जांपल ही खत्म होगी, रिपीट एग्जांपल 2.4 विद द डायोड रिवर्स्ड, तो अब बड़ी आसान सी बात है, अब डायोड रिवर्स्ड मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मैं एक ये डायोड जरा सेहतमंद बनाने लगा हूँ ताकि सारी चीजें बीच में आ जाए। ये जी डायोड बन गया, नजर आ रहा है सबको जी? यस सर, यस सर। ठीक है, तो उसने कहा था कि रिवर्स द डायोड ना, तो ये एग्जांपल रिपीट करें। ठीक होगा, अब मुझे
अब आप बताएं कि ये डायोड जो है वो ओपन होगा या यानी कि शॉर्ट हो जाएगा या स्टेट ऑन स्टेट में होगा ऑफ स्टेट में होगा क्या होगा? ऑफ ऑफ स्टेट में होगा और सीधा ओपन सर्किट हो जाएगा। अच्छा ऑफ स्टेट में होगा जी, स्टूडेंट कह रहे हैं जी ऑफ स्टेट में होगा। और ऑफ स्टेट में होने की, ऑफ स्टेट में सबसे पहली बात है कि क्यों होगा ना, तो एक तो इसकी जो पोलैरिटीज हैं वो रिवर्स हैं। यस सर। ठीक है कि ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, डायोड का बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच है, सही है? यस सर। डायोड का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो एक तो ये चीज है, ठीक है। और ये इसको ऑफ स्टेट में करा, जब ऑफ स्टेट की आप बात करते हैं तो ये आपके पास पता है किस तरह का होगा। नीचे उसने बनाया भी हुआ लेकिन मैं वैसे बना रहा हूँ ताकि आपको ये फील ना हो कि ये उधर से हम देख देख के बनाई जा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आप देखें कि आपके पास इस तरह, ठीक है, ऑफ स्टेट में ये बन जाएगा, मैंने बना दिया यहाँ पे। और नीचे हम चले जाते हैं, ठीक है जी, बना पड़ा आपके पास, सारे मामला बने हुए हैं। और आईडी जो है क्योंकि ओपन हो गया, कोई भी एक कोना भी ओपन है, एक ही लूप है, कोई भी अगर उसका जॉइंट आप ओपन करते हैं तो पूरा सर्किट आपके पास ओपन हो चुका है, सही है? यस सर। बीच में बॉक्स ही एक है ना, एक ही लूप है, ठीक है। सो अगर आपके पास आईडी जीरो है, डायोड ओपन हो गया ना, तो आपके पास आईआर भी जीरो है, क्या ख्याल? यस सर। और अगर आईआर जीरो है तो वीआर भी जीरो है, इज इक्वल टू आईआर, वी इज इक्वल टू आईआर, करंट जीरो है, तो रजिस्टर का वोल्टेज आपने कह दिया जी जीरो है। रजिस्टर का वोल्टेज क्यों जीरो है जी? क्योंकि आईआर जीरो है, क्योंकि वी इज इक्वल टू आईआर की वजह से आईआर जीरो। तो अब यहां पे ये थोड़ी फहम वाली बातें आती हैं कि यार रेजिस्टर के क्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा, तो बैटरी सारी की सारी जा किधर रही है? सर डायोड के ओपन सर्किट वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सारे का सारा ड्रॉप कहाँ पे हो रहा होगा? वो ओपन सर्किट के क्रॉस। पानी की नल जैसे ओपन होगी तो जहाँ पे पाइप टूटा होगा, खुला होगा, वहां पे सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल की तरफ ड्रॉप हो रही। और अगर किसी को बिल्कुल इसको आसान लफ्जों में करना है तो आप, यानी कि किसी को ये बातें नहीं समझ आ रही कि सारा इधर ड्रॉप हो जाएगा उधर ड्रॉप हो जाएगा, तो आपको पता है कि आप केवीएल लगाएंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? E is equal to VD plus VR, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको पता है कि वी आर जीरो है और E आपके पास VD 8 वोल्ट है, जो बैटरी है सारी की सारी वो VD के टर्मिनल्स पे मेरी है, ठीक है। और रहेगी बात कन्वेंशन वगैरह की, तो वो आपने क्या काम करना है, वो आपने प्रॉपर आप केवीएल केसीएल वगैरह लगाया करें। अभी आप बिगिनर स्टेजेस में हैं तो आपने डायरेक्ट काम नहीं करना है, जिस तरह सपोज मैं आपको कह रहा था ना कि यूं हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, तो आप एक बिल्कुल एक रीजनेबल वे में, जैसे बिल्कुल सिंपल एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते ना, वैसे सॉल्व करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे ना, आपको सारी चीज आती है, आप एक थोड़े से शॉर्टकट के लिए अगर उसको गलत करते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये मैं अगेन बार बार आपको कह रहा हूँ, कोई इस पे नंबर देना चाहे दे भी सकता है, कोई इस पे सारे डिटेक्ट करना चाहे तो कर भी सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट्स होते हैं, या तो क्लिक कर गया या नहीं किया, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को उस तरह से डिवेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट तो लेट से हम मिड टर्म लेते हैं, फाइनल लेते हैं या कुछ और लेते हैं, तो उसमें अगर कोई किसी तरह की भी चेकिंग करना चाहे तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ही इज फ्री टू चेक, क्योंकि ये यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ऑन की बजाय ऑफ कर दिया, मैं कहूँ लो जी स्टूडेंट को आधा तो पता था, ये आधा तो नहीं ना पता, ये क्या बात है, क्या ख्याल है, या तो ऑन है या ऑफ है। तो अगेन बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपने इस तरह के डिवेल्प नहीं करने, यहाँ पे इस तरह के मार्जिन नहीं है कि यार थोड़ा सा आता, थोड़ा बहुत नहीं है, आप चीजों को मतलब उस वे में जो है ना वो आपने काम करना, ताकि चीजें जो है वो ठीक रहें, ठीक है। फिर एक और चीज नीचे उसने आपको बताने की कोशिश की कि बाज दफा एग्जांपल्स के अंदर बैटरी के वो टर्मिनल ही लगाता, वो पता है क्या लिख देता है, ये देखिए क्या लिख दिया जी, क्या लिखा हुआ,
E is equal to minus 5 volt. या E is equal to 10 volt. Plus 10 volt. Plus 10. बड़ा जरूरी चीज़ है. जेन को खोलें जरा. Plus 10 या minus 5. Minus 10. Minus 5. अब उसने तो बना दिया है. अब साफ जरे अगेन बात वही है कि आप स्टूडेंट हैं, आप अर्ली स्टेजेस पे हैं. अब आपने तो केवीएल वगैरह लगाना है, कैरो हिटिंग द पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, आपने कुछ जेन बनाया हुआ है. तो आपने अपनी आसानी के लिए क्या क्या काम करना है फिर, कि पॉजिटिव 10 का मतलब पता है क्या? ये मैंने हाईलाइट कर दिया. पॉजिटिव 10 का क्या मतलब है जी? कि पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव ग्राउंड के साथ अटैच है. सी पॉजिटिव 10 को आप किस तरह से पढ़ेंगे ये, और माइनस 5 को आप किस तरह से पढ़ेंगे? माइनस 5 का मतलब है उल्टा सीन है, पॉजिटिव ग्राउंड के साथ अटैच है और माइनस साइन. तो ये वो चीज है कि अगर कहीं एग्जांपल में वो इस तरह से लिख देता है तो आपने उस सेंस में परेशानी होना, ठीक है? आपको चीजों का आइडिया होना चाहिए कि यार इससे ये कह रहा है, ठीक है? तो एक तो आपने वो वाला काम करना है जो मैंने आपको कहा हुआ था, ठीक है? दो तीन चीजें हैं जो कि क्विक वे में नोट कर ले. तो कुछ एग्जांपल्स ही मैंने कहा था कि हाथ से 2.123 को सॉल्व करना है और बकायदा लॉजिक्स होनी चाहिए कि क्यों वो करंट 20 या 18 पॉइंट समथिंग या क्यों आ रहा है. यस एक चीज. दूसरी चीज ये है कि पहले बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, वो देखें क्या कब क्या क्या आपको कब है. दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये कि एलईडी का जब मैंने टॉपिक करवाया था तो आप लोगों ने ये देखना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड ये तीनों सूटेबल नहीं होती अगर हमने इनको एलईडी के तौर पे यूज करना हो. ये हमें कैसे पता चलेगा? ये इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा की जो आपको इक्वेशन बताई है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी जिसमें yes, sir. और ई आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है. उस ई की वैल्यूज आपको सारों को पता है. ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो पहले चैप्टर में लिखा हुआ कि सिलिकॉन जर्मेनियम और गैलियम के इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने होते हैं. तो उसके थ्रू आपके पास लैम्डा निकलेगा. लैम्डा वेवलेंथ होती है कि ग्रीन पे आती, रेड पे आती, किस पे आती. ये तीनों डायोड सूटेबल नहीं है. इन तीनों की लैम्डाज जो हैं वो लाइट वाले रीजन में नहीं आ रही होती, ये इनविजिबल रीजन में जा रही, इंफ्रारेड की तरफ जा रही. ये तीनों सूटेबल नहीं है. फिर हम कहते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड थोड़ा सा सूटेबल हो सकता है, वो थोड़ा सा रीजन के करीब होता है. फिर हम उसको किसी और मटेरियल के मिला के फिर यूज करते हैं. ये जो मैं सारी बातें आपको कह रहा हूँ, इसको आपने मैथमेटिकली थ्रू फॉर्मूला भी प्रूव करना है कि ये क्यों सर कह रहे थे कि तीनों ही ठीक नहीं है लेकिन गैलियम आर्सेनाइड के लिए फिर भी गुंजाइश निकल सकती है. ये आपकी बुक में उसने सॉल्व भी किया हुआ, ठीक है? और उसके बाद आप ये 2.7 जो एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करेंगे. इसमें उसने एक डायोड लगा दिया और आगे क्या लगा हुआ? लगा दिया और एलईडी लगी हुई है, ठीक है? तो रेड एलईडी का क्या मतलब है? ये भी डायोड, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, और रेड की आपको वैल्यू जो है वो बता देगा कि रेड के कितने वोल्टेज मिनिमम चाहिए रेड को ऑन करने के लिए, ना? ठीक है, तो आपको पास टेबल के अंदर जब पहले चैप्टर में अंबर और ग्रीन और वो सारी लाइटें वाइटें आई थी, ठीक है? ये इसके क्रॉस बना भी हुआ. तो एलईडी भी डायोड है, सादा डायोड भी डायोड है, बस ये कि उनके वोल्टेजेस कुछ और है ऑन करने के लिए और इनके कुछ और है. तो ये चीजें थोड़ी सी आपने जो है ना देखनी, ठीक है? आज के लिए इतना ही है. मैं क्विज का अब साफ जाहिर है अभी मैं नहीं उसको लेना चाह रहा, लेकिन आपको बार बार कह रहा हूँ कि साथ में आप रीड आउट करें. और पूरी क्लास के लिए ये एक मैसेज है कि जिस बंदे को ये शॉर्ट ओपन और 0.7 और इस तरह का पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा वो इस वीक के अंदर अपनी ये चीजें चीज कर ले. ठीक है, ओके सर. Thank you very much. Allah Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Sir, attendance rehti. Kaun attendance wala? Muhammad Asnain, sir. Sir, wo mera... Theek hai, Muhammad Asnain, aapke attendance laga diya. Sare meeting ko leave kar. Allah Hafiz.